हेलो, हाय, नमस्कार, पहला गौ प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज, सुबह सुबह मैं दो तीन खेत वेत बना के आ गया हूँ और आज का काम फिनिश कर दिया है और इस बार का काम लगभग लगभग शायद से ख़त्म हो गया है। आज से ट्रैक्टर वैक्टर का काम बिल्कुल नहीं होगा और सभी लोगों का बना दिया है मैंने लगभग, और शायद ही कोई छूटा होगा तो आज या कल में कोई बता देगा। एक आध खल्ले वाला होगा तो कोई, वैसे तो मुश्किल है। आज मेरा काम ख़त्म हो गया, अब ट्रैक्टर वैक्टर धो लेंगे के बाद चर्बी वर्बिस कराएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ ब्रश और हाथ मुंह धो लेता हूँ सुबह के अभी 7:30-8 बजे में। तो फिलहाल गाइस ब्रश व्रश भी हो ही गया है तो अब इन फूलों में भी पानी डाल देते हैं। तो गाइस, बाहर का पानी वानी डाल के फूलों में चकाचक बना के आ गया हूँ मैं अंदर। अब मैंने ब्रश व्रश भी कर दिया है तो इसके साथ मुझे क्या चाहिए? नाश्ता। पता है, नहीं तो हो जाएगा तेरे से वास्ता, समझी? कह रहे हो वास्ता करने में क्या है? वास्ता, अच्छा, वास्ता करने में क्या है, कर लो। तो सुबह सुबह ये सफाई कर रही है, ये नहीं कि नाश्ता वास्ता कर लें उसके बाद काम कर लूं है, कोई मतलब नहीं हुआ। फटाफट नाश्ता वास्ता लगाए जाए। तो गाइस, नाश्ता वास्ता हो गया और ये लोग तो अभी करने में ही हैं, थोड़ा सा इनकी स्लो सर्विस है और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं वीडियो अपलोड और ये भी लगभग हो ही गई है तो इसको अब सेव कर लेते हैं। तो गाइस, शाम हो गई है और पकौड़ी आ गई हैं और आ गई है मेरी चाय। और आज सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया गाइस, क्योंकि आज काम ख़त्म हो गया और इतने दिनों की थकान मैं मिटा रहा था। रेस्ट कर, जैसे काम खत्म हुआ भाई साहब तुरंत नहा लिया उसी समय, नहाया धोया और मैं तो शाम तक नहीं नहाते, खाना खाया और सो गया। आज बहुत देर तक सोया मैं, अभी हो रहा 4:30-3 बजे तक सोया हुआ था। बढ़िया नींद आई, बहुत तगड़ी नींद आई यार, कूलर ने भी शांत दिया, ठंडा कर रहा था। और अभी विनीता देवी लाई है पकौड़ी और चाय, बहुत ही टेस्टी हो रही है, बहुत ही लाजवाब बनाती हैं। आपके बर्थडे, शादी, बारात, कोई भी फंक्शन हो तो ऑर्डर दे सकते हैं आप इनको, बुकिंग और बुकिंग। तो आप चाय वाय पी लेते हैं फिर देखते हैं आज क्या दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ बताने की, कुछ भी देखते हैं क्या हो पाता है, कुछ आता है दिमाग में तो, वरना ऐसी ब्लॉग चलेगा आज नॉर्मली। सो गाइज, आज ब्लॉग नहीं बनाया तो मैं सोच रहा था आपको कुछ स्टोरी बता दें अपनी लाइफ की, और बहुत सारे कमेंट भी आए थे पहले और आते रहते हैं कि अपनी शादी के बारे में बताओ, कैसे आपकी शादी हुई थी, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो आज वो चीज़ें हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ये भी बताएगी, मैं भी बताऊँगा, और ऐसी आपको और सारी स्टोरीज़ भी जाननी है हमारे बारे में, आपको और कुछ चीज़ें जाननी है तो कमेंट में बताना। हम लोग कभी कभी स्टोरी टाइम रखेंगे हफ्ते में 15 दिन में, तो उसमें हम अपनी लाइफ की स्टोरी बताएंगे जो भी आप पूछोगे। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई, आपकी लव मैरिज है, अरेंज है, तो सबको अलग अलग रिप्लाई करना नहीं हो पाता है। और आपके माइंड में भी, जिसने नहीं पूछा उनके माइंड में भी, कई लोगों के माइंड में रहता होगा कि हम लोग ऐसे प्रैंक वगैरह बनाते हैं या फिर ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं या कुछ भी, आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हो तो एक मन में रहता है ना, लालसा रहती है कि कैसे हुई होगी इनकी शादी, कब हुई, कौन से सन में हुई, कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ, कितने बच्चे हैं, कितने टाइम बाद आपके बच्चे हुए, कितने साल के हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वाले ब्लॉग में रिवील होने वाली हैं। और ये ब्लॉग बन रहा है बाहर पे बैठ के, जो कि इस साइड में पीछे तरफ बिल्कुल आपको ख़तरनाक वाली धूप दिख रही होगी और हम दिख रहे होंगे छाया में। तो शुरू करें? चलो शुरू करो। बताओ फिर, आप ही बताओ स्टार्टिंग से, कि सबसे पहले तो हम बताते हैं हमारी शादी कब हुई, कौन से सन में हुई, कितनी तारीख को हुई, कौन से महीने में हुई। तारीख है 24 तारीख, नवंबर का महीना और 2013 में।
2013-24 तारीख नवंबर में हमारी शादी हुई थी। और बातचीत कैसे हुई ये भी बताएंगे। हमारी बात ऐसे हुई, यहाँ से पिथौरागढ़ का इतना लंबा आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ खटीमा में क्यों नहीं शादी हुई, तो उस टाइम पे मैं दिल्ली रहता था। तो सडनली हम लोगों को जाना पड़ा पिथौरागढ़, मम्मी और मेरे को, उसके लिए शादी थी वहाँ पे ना। तो इन लोगों ने पहले मतलब चिन्ना उन्ना जो हमारे हमारे पहाड़ियों में होता है वो मिला उला रखा था, तो मुझे नहीं बताया था। तो मुझे इसलिए बोला कि वहाँ शादी है वहाँ जाते हैं। तो फिर वहीं हमारी दीदी हैं जो बड़ी वाली दीदी, उनकी क्या कहते हैं उसको, ननद इनके किराए में रहती थी वहाँ बाजार में पिथौरागढ़ में। तो फिर उन्होंने हमको मिलाया, बात वूत कराई, पूछा कैसी है क्या है। तो मुझे, मैंने कहा चलो, मुझे नहीं पता था कि या मतलब चिन्ना विन्ना मिल गया है। मैंने कहा ठीक है देख लिया, जो भी होगा फिर देखेंगे बताएंगे। फिर घर आके मुझे बता दिया था कि हाँ चिन्ना पहले मिला दिया था, तुझे कैसी लगी। तो मैंने कहा ठीक लगी, अच्छी लगी। और वहाँ पे एक किस्सा भी हुआ मेरे साथ, जब मैं इसको देखने गया, इसी टाइम का टाइम हुआ था, शाम के 4-5 बजे होंगे। तो मैं इनके यहाँ चाय पीने लगा, तो मेरे दोनों जेबों में, मेरी आदत क्या है कि मैं सिक्कों को खर्च नहीं करता हूँ, सिक्के होते हैं जो, वो सिक्के मेरी जेब में थे। और बचपन की आदत है इनकी, बताए वो सिक्के जमा करने लेकिन बड़े बड़े नोट खर्च कर देने इन्होंने। नहीं, आदत तो एक होती है, मतलब वो सिक्के मैं देना नहीं चाहता दुकान में ऐसे करके कि चलो यार, तो वो जेब में ही रह गए बहुत सारे। तो जैसे ही मैंने कुछ चीज़ निकाला, शायद मेरे को इतना तो याद नहीं है कैसे गिरे, वो गिर गए, वो पूरे इनके कमरों में फैल गए। इतने पूरे तो कुछ नहीं फैले थे, 5 रुपए तो थे, वो पूरे पूरे कह रहे हैं डॉलर थे, मतलब 5-7 डॉलर थे, वो इनके चारपाई अरपाई के नीचे घुस गए। तो एक ऐसा किस्सा हुआ था। तो फिर उसके बाद इनके डॉलर झड़ गए, जब हमारी बातचीत मतलब होने लग गई थी, फिर फिक्स हो गई थी, तो फिर मैंने बताया कि इनको कि आपके डॉलर यही हैं। फिर ये कह रहे मुझे वापस कर देना उन डॉलर को। इतने चालाक, उन 5 रुपयों को भी नहीं छोड़ रहे थे, इतने कंजूस इंसान ये। फिर उसके बाद हमारी शादी हुई करीब 1 साल बाद ना। हाँ नहीं, 7-8 महीने बाद। गर्मियों का टाइम था उस टाइम जब मैं आया था। हाँ, जब ही आए थे, गर्मी शुरू नहीं हुई थी, मतलब गर्मी से पहले पहले का टाइम। हाँ, था मतलब जनवरी मार्च का महीना होगा। हाँ, शायद। और फिर हमारी शादी हुई दूसरे साल अप्रैल नवंबर में, उसी साल नहीं, फरवरी। हाँ, फरवरी में आया था मैं, फरवरी में आए थे, उसके बाद उसी साल नवंबर में हुई, मतलब 7-8-9 महीने बाद तब जाके शादी हुई। फिर शादी के कितने साल बाद महक हुई? महक हुई हमारी 2 साल बाद। हाँ, महक हुई 2 साल बाद, कितने अभी वो है, 7 साल, 7वां उसको लग जाएगा इस बार। उसका बर्थडे आता है 20 जुलाई, और वो सन कौन से में पैदा हुई थी? 15। हाँ, 2015 20 जुलाई को वो पैदा हुई थी महक। दृष्टि हुई थी हमारी उसके 4-5 साल बाद, 4-5 साल बाद, और दृष्टि है अभी 3 साल की, मतलब 2.5 साल की है, 3 साल उसको अभी पूरे हो जाएंगे अगस्त में। तो ऐसा कुछ था। और अरे, आपको तो पता ही, पहले ही पता चल गया कि हमारी लव मैरिज हुई है अरेंज। ये मैं इसको सस्पेंस रखने वाला था, तो अब तो पता ही चल गया होगा कि हाँ हमारी अरेंज मैरिज थी। और यही किस्सा था हमारी शादी का। उसके बाद आज हमारी शादी को हो गए हैं करीब 9 साल हो जाएंगे इस बार नवंबर में। और तब से लेके आज तक, जैसे आप लोग हमें ब्लॉग में देखते हो वैसे ही हम, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, वही लड़ाई, वही प्यार, वही गुस्सा, वही खुशी, और ऐसी नॉर्मल लाइफ हमारी तब से लेके आज तक ऐसी नॉर्मल ही रह रहे हैं। खट्टी मीठी यादें तो होते रहती हैं सबकी, कभी गुस्सा, कभी झगड़ा। हाँ, कभी प्यार, वो तो हर किसी की जिंदगी में होते रहता है, हर किसी की लाइफ में होता है ये सारी चीजें, तो वो होना भी जरूरी है, सभी का होता है, सभी का लड़ाई झगड़ा, 4 बर्तन होते हैं, टकराते हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्लॉगर ब्लॉग बनाते हैं तो क्या हमारी लड़ाई नहीं होती होगी, बहस नहीं होती होगी किसी चीज में, क्या किसी चीज के लिए जीत नहीं होती होगी, सब आप लोगों की कमेंट आती है कि इतना प्यार, मतलब सबको बता दे कि जैसे आप लोग हो ना, नॉर्मली अपनी जैसी लाइफ समझो, ये नहीं कि हम लोग लड़ते नहीं है, लड़ते भी हैं बहुत ज्यादा, प्यार भी करते हैं, सारी चीजें होती है जैसे एक आम आदमी की जिंदगी होती है ना, वो ऐसी सारी चीजें चलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई नहीं होती है, ये कभी कभी तो ब्लॉग बनाते बनाते हमारा झगड़ा हो जाता है कितने बार, लेकिन कई बार मैं इसको समझाता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे बना,
ब्लॉग के चक्कर में भी लड़ाई जाती है नॉर्मली, मतलब मुझे गुस्सा आ जाती है उस टाइम पे, ये समझाते हैं अपना तो फिर मुझे गुस्सा आती है, तो फिर मतलब हो जाता है कभी कभी, ऊपर नीचे तालमेल बैठता नहीं है कभी कभी। लेकिन सारी चीजें क्या है, थोड़ी देर में खुद ही समझना पड़ता है कि नहीं यार आगे तो बढ़ना है, तो कहाँ उसी एक ही बात को लेके हम इधर पे बैठे रहे। तो ये हर कोई करता है, हम ही नहीं, हर कोई जानता है कि एक मतलब घरेलू लाइफ कैसे जीते हैं, कैसे नहीं जी पाते हैं, या कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, वो सभी लोगों को सभी के साथ होती है। हाँ। छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, एक ऐसा नहीं है कि बड़ा इशू नहीं होता हमारे यहाँ, और होता तो फिर शायद से हम ब्लॉग भी नहीं बना पाते, क्योंकि बड़ी बातें हो जाती हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं रह पाती हैं। छोटी मोटी जैसी सबकी नॉर्मल लाइफ चलती है वैसे हमारा भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं लाइफ में, बहुत सारी आती हैं। तो जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग भी हैं, दिक्कतें हमारे साथ भी आती हैं, खुशियाँ हमारे साथ भी आती हैं, यही चीज़ें हैं हमारी लाइफ का। और कोई किस्सा आपको जानना हो तो कमेंट करना, क्योंकि आज मैंने दिन भर आराम किया, मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया गाइज, तो मैंने कहा आज अपनी लाइफ का कुछ किस्सा ही शेयर करा जाए आप लोगों के साथ। तो अच्छा लगा, अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना, अपनी बातें बताना, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो, फैमिली का हिस्सा हो, तो एक अटैचमेंट टाइप की हो गई है कि हाँ अपनी बातें शेयर जब तक नहीं करते ना तब तक ये हल्का नहीं होता है, हल्का नहीं होता है, दिल है कि मानता नहीं। ये सिंगर थी ना, मैंने तब इससे शादी करी थी, मैं डांसर भी थी। हाँ, और लेकिन आपने मेरा डांस नहीं देखा ना। तुझे याद है कि मैं उस दिन कैसे कपड़े पहन के आया था जब मैं तेरे को पहली बार देखने आया था? बता, कलर भी बताना पड़ेगा, अब बताएगी और मैं बताऊंगा इसका, इसने कैसा पहना था फिर। वो तो सभी को याद होगा वो वाला कलर, लेकिन आपका कलर पता है क्या हुआ था ना, ये ठहरे एक नंबर के, मतलब खूब कपड़ों में तो इतने शौक हुई ना इनको, ये क्या हुआ, जस्ट जैसे घर पे पहुंचे ना, तो जो कपड़े पहन के लाए थे ना उनको सबसे पहले घर पे पहुंचते इन्होंने चेंज करा। हाँ। बोला मैं ऐसे देखूंगा लड़की को, ऐसा नहीं बोला मैंने, ऐसा मेरे को बताया नहीं था कि लड़की देखनी है, मतलब चेंज करा इन्होंने। तो मम्मी कह रहे थे कि वो तो वाह भैया, उसको तो शौक है बहुत ज्यादा, उसने तो सबसे पहले घर पे पहुंचते कपड़े चेंज करे। हाँ, मैं सफर से गए थे ना यहाँ से, 6-7 घंटे का सफर होता है, धूल होती है बहुत सारी, तो ना मतलब मुंह हाथ धोया, कपड़े उपड़े चेंज करे, शाम के टाइम पे पहुंचे थे हम 2:30-3 बजे। कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मल आ रहे हैं तो आने दो, देखेंगे ऐसे ही पसंद करेंगे मुझे जैसी हूँ मैं। और मैं कई साल बाद पहाड़ गया हुआ था, तो मैं इतना वो नहीं था, मतलब पहाड़ के बारे में इतना जानता नहीं था, मतलब बहुत चीजें वो नहीं पता थी कैसे रहते हैं वहाँ के लोग। एक हरकत क्या हुई पता है, हमारे यहाँ से गाड़ी जाती है ना, जैसे एचोली से पिथौरागढ़ गाड़ी जाती है, तो वो क्या है जैसे जब तक गाड़ी भरती नहीं है तब तक जाती नहीं है गाड़ी, तो 10-12 लोगों की सीट जब तक पूरी नहीं होती है फुल जीप, तो तब तक नहीं जाती। इन्होंने क्या बोला ना गाड़ी वाले से कि चल दे, बोला साहब ना पूरी बुक करके ले गई, ये क्या करे ना मेरे से 200 रुपया टिकट लिया भाई साहब, उन दिनों हमारे वहां से मार्केट तक का 5 रुपया टिकट था उस टाइम पे, हमने ऐसी 200 रुपया इन्होंने टिकट का दिया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आपने इतना महंगा टिकट कैसे हुआ, कह रहे थे कि मार्केट तक का, मैंने कहा बुक करके ले गए होंगे फिर गाड़ी को पूरी, बुक करा देने वाले ठहरे, और इनको पता ही नहीं ठहरा मतलब कि कैसे, मतलब क्या होता है ये सारी चीज़। बहुत टाइम बाद गया था, अब तो मैं रेगुलरली जाने लग गया हूँ, क्योंकि पता चल गया, अब मैं साल में 2 बार चले जाता हूँ पहाड़, 2-3 बार, बड़ा अच्छा लगता है मुझे पहाड़ जाना, पहले नहीं जाता था। तो इसने बनियान पहनी हुई थी, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था, मैं साला हाफ टी शर्ट में हाफ शर्ट में गया था और ये बनियान पहन के बिल्कुल यहाँ वाले वाले मारी फुतकन मरी थी, फुतक तो नहीं रही थी, मतलब बनियान पहनने की थी। तो मैंने उन दिनों ये लोग इतनी मजाक उड़ाते थे ना कि बनियान पहनी थी करके उन दिनों, लेकिन अब पता चल गया ना आपको कि वहां हमेशा स्वेटर ही पहनते हैं। हम लोग यहाँ से गए होते तो इतना वो नहीं था कि हमें कैसे, हम अपना जैसे समझते थे कि हम जैसे रह रहे हैं वैसा होता होगा, लेकिन वहां पे पहनते थे बनियान, अभी पहनते हैं, हम भी जाते हैं हम भी पहनते हैं, अब आदत हो गई, देख लिया कैसे माहौल से होता है ना। तो यही थी स्टोरी हमारी लाइफ की गाइज, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइफ की नहीं शादी वाली किस्सा था, और भी कोई बहुत सारे किस्से हैं आप लोगों को जानने हैं तो कमेंट करना, ये किस्सा वो किस्सा जो भी होगा बता पूछना, बहुत सारे किस्से हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इसके साथ भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जो अभी तक हमने ब्लॉग में रिवील नहीं किया, बताई नहीं है, और उन चीज़ों को सुन के ना आप कसम से मतलब एक बार के लिए रोने भी लग जाओगे शायद से, ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लाइफ में दोबारा रिकवरी होने का चांस ही नहीं थे, इसके साथ ऐसी चीजें हुई, लेकिन सब कुछ बढ़िया हुआ, सब ऊपर वाला है, ईश्वर है, भगवान है, सब अच्छे से रहो, अच्छे से चल रहा है सब चीज।
तो क्या खल यार, कहां मैं खुश हुई थी और तुम बातें याद दिला के मेरी आंखों में आंसू ला जाते हो फिर। और कई चीजें हैं गाइस, अच्छा बुरा तो बताएंगे हफ्ते में या महीने में एक स्टोरी आपको जरूर बताएंगे। तो बताना जरूर कमेंट करके, लाइक शेयर और कमेंट करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, लव यू ऑल, बाय।